ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसको लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पिछले दो बार से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम पटखनी दे रही है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये शर्मनाक भी है कि वो अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज हार रहे हैं। भारतीय टीम इस बार फिर हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी बार उसी की धरती पर शिकस्त देने की कोशिश में रहेगी। लेकिन इस बार रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर नहीं, इस बार कम से कम 3-1 से ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम को मात देगी, ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। उन्होंने और भी कई बातें कही हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय टीम में भी अब नए खिलाड़ी आ गए हैं, युवा खिलाड़ी आ गए हैं जिन्हें हराने में ऑस्ट्रेलियाई टीम सक्षम होगी और आज से ही पैट कमिंस की टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, ये भी रिकी पॉन्टिंग ने कहा है। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ की, मोहम्मद शमी की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के पास कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, मुझे लगता है खलील अहमद जैसे गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर आना चाहिए। मुझे पता है कि वे हाल ही में जिम्बाब्वे गया था और वहाँ उसने T20 सीरीज खेली थी, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय टीम में बाएं हाथ का गेंदबाज होना उनके लिए आदर्श स्थिति होगी, आइडियल स्थिति होगी। शमी तब तक फिट हो जाएंगे जब तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम जाएगी। आगे कहते हैं रिकी पॉन्टिंग के, शमी तब तक फिट हो जाएंगे, सिराज भी होंगे, हम जानते हैं कि वो भी टीम में मौजूद रहेंगे और जाहिर है कि बुमराह कहीं नहीं जा रहे, बुमराह तो रहेंगे ही, इसलिए दोनों टीमें वास्तव में बहुत मजबूती से मैदान में उतरेंगी और एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। रिकी पॉन्टिंग ने भविष्यवाणी भी कर दी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 3-1 से सीरीज जीत सकती है। मैं स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद कर रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से जीत हासिल करते हुए देखना चाहता हूं, ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। अब देखना होगा भारतीय टीम किस मजबूती के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ेगी, क्योंकि WTC फाइनल को अगर देखा जाए तो दोनों टीमें WTC फाइनल की रेस में बनी हुई हैं। भारतीय टीम इस वक्त WTC पॉइंट टेबल में टॉप पर है और ये सीरीज बहुत निर्णायक साबित हो सकती है WTC फाइनल के लिहाज से। अगर भारतीय टीम की अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट्स नहीं रहे तो भारतीय टीम को झटका भी लग सकता है और मुश्किलें भी आ सकती हैं WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो भारत के लिए अहम सीरीज है, उतनी ही अहम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर भारत से सीरीज हार जाता है तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी WTC फाइनल में पहुंचने के लिए। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे नंबर पर है। अब देखना होगा भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या रणनीति उनकी रहेगी और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा।